नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बागी 2 ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद भी हो गया है कुछ ऐसा हाल। टाइगर श्रॉफ को नहीं मिल पाई है कोई हीरोइन। जी हां, बागी 3 में अभी तक कोई हीरोइन नहीं हो पा रही है फाइनल। बागी 3 को लेकर हीरोइनों की खोज जारी है अभी तक। बीते साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म बागी 3 को अभी तक कोई हीरोइन नहीं मिली है। जी हां, चौंकिए मत, ये सच है कि अब तक इस फिल्म के लिए कोई लीड एक्ट्रेस पर मेकर्स ने आखिरी मोहर नहीं लगाई है। बीते कई दिनों से इस खबर के इंतजार में लोग थे कि आखिर टाइगर श्रॉफ की हीरोइन कौन होगी, कौन नजर आ सकता है बागी 3 में। यकीनन टाइगर श्रॉफ की ये बेहतरीन फिल्मों में से एक है। दरअसल जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है तभी से ये तो तय था कि इसमें भी लीड रोल में टाइगर श्रॉफ ही होंगे, पर हीरोइन के नाम पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि इस फिल्म में भी दिशा पाटनी ही टाइगर श्रॉफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती हैं, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि फिल्म में दिशा पाटनी नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर नजर आने वाली हैं। अभी तक इस खबर से श्रद्धा कपूर के फैंस सही से खुशियां मना भी नहीं पाए थे कि पता चला कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। दिशा पाटनी और श्रद्धा कपूर के बाद इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा था और वो था सिम्बा स्टार सारा अली खान का। जी हाँ, सारा अली खान काफी चर्चाओं में रही है। खबरें थी कि केदारनाथ और सिम्बा के बाद सारा अली खान इस फिल्म में धमाकेदार एंट्री मारने वाली है। हालांकि इसके तुरंत बाद ये खबर आई कि सारा अली खान ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि इस फिल्म में उनके लिए कुछ खास जगह नहीं थी और इसकी वजह यह थी कि सारा अपनी फिल्मों के चुनाव को लेकर काफी सतर्क हो गई हैं और इसीलिए अब दोबारा ऐसी फिल्में करना चाहती हैं जिसमें उनका किरदार दमदार हो। लेकिन अब ऐसी तमाम खबरों पर मेकर्स ने बयान दे दिया है। सोर्सेस की माने तो अभी तक फिल्म की लीड एक्ट्रेस के नाम पर मोहर नहीं लगी है। उन्होंने कहा है कि हम फिल्म की लीड स्टार को लेकर काफी खबरें सुन रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि अभी तक किसी को भी अप्रोच नहीं किया गया है। फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज में है और जैसे ही ये पूरी होती है टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस का चुनाव कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ एक ऐसे एक्टर हैं जिनके खाते में कई सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। इसके अलावा टाइगर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफी दमदार हैं। टाइगर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, इसके अलावा यशराज बैनर की एक और फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करने वाले हैं। इसके अलावा वो रोहित शेट्टी की भी फिल्म में नजर आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन हो या फिर उनके डांस, हर चीज के दर्शक दीवाने हैं। ऐसे में उनकी फिल्मों का इंतजार भी दर्शक बहुत ही बेसब्री से करते हैं और अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बागी 3 में टाइगर की हीरोइन कौन होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।